लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब इंतजाम ठीक ठाक हो गया ना? जी हाँ, होटल तो आपने अच्छा बताया। कल कोई ऐसा आदमी मिल सकता है जो यहाँ की सब जगह देखा घुमा सके? जरूर। What about you, madam? राजा। Well, thank you very much. Okay, bye bye. See you. Bye bye. All the best. जी, ये सेठ करोड़ी मल जी दिल्ली के हैं और ये आपकी बेटी है। नहीं, ये मेरी पत्नी है। Oh, I'm sorry. नमस्ते। कल इन्हें जरा अपने साथ ले जाकर अच्छी तरह से घुमा फिरा देना। हेलो, कौन? माया? अच्छा अच्छा समझ गया, उसकी रानी का फोन है यार। अमर रोज बोर करती है यार। राजा तुम्हारा फोन। प्लीज एक्सक्यूज मी। इस छोकरे के बजाय कोई और होशियार आदमी नहीं आपके पास? छोकरा अजी हमारा खास गाइड है, यहाँ की हर पहाड़ी हर घाटी के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। आपको ऐसा घुमाएगा आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। हाँ माया। देखो भैया, मैंने इनका हर जुल्म बर्दाश्त कर लिया, मार पीट गाली गलौज अब तक सब कुछ सहती चली आई। क्या आज भी झगड़ा हुआ? झगड़ा कब नहीं हुआ, मैं किस दिन इस घर में आकर खुश रही? इन्होंने शादी मुझसे नहीं मेरे पैसों से की है, खुद तो कुछ कमाते नहीं, मेरी ही दौलत पर शराब और अय्याशी होती है। गुंडे मवाली मेरी ही मर्जी के खिलाफ मेरे घर में नौकर बना कर रखे गए हैं। ये शिकायतें सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए हैं माया। मैंने तुम्हें कितना मना किया था कि शादी मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। अब तुम्हें वही करना होगा जो मैंने कहा है। पर कैसे, कब तक निभाती रहूं इनके साथ? आज मुझे मालूम हुआ इनका एक नया रोमांस शुरू हुआ है।
रोमांस? हाँ, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। इस वक्त सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि कल सुबह मैं कोर्ट में जाकर इनसे तलाक ले रही हूँ। नहीं माया, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। रमेश रात को घर कितने बजे आता है? वही रोज शराब पीकर रात के 12 बजे का फिक्स टाइम है। मैं आज रात 12 बजे आकर सब ठीक कर दूंगा। नहीं नहीं, अब ठीक क्या होगा? मेरा फैसला अटल है। ये सब कुछ मैं इनकी पीठ के पीछे नहीं, इनके मुंह पे कह रही हूँ। जी हाँ, ये इस वक्त सामने ही बैठे हैं और सब कुछ सुन रहे हैं। भाई साहब आज रात 12 बजे यहाँ आ रहे हैं। मेहरबानी करके आप भी मौजूद रहिए। कल सुबह मैं कोर्ट में जाकर आपसे तलाक ले लूंगी। फिर आपका जो जी चाहे कीजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। मौत के बाद तो आजकल ये किताबें पढ़ी जा रही हैं। हाँ, जिंदगी में तो कुछ रहा नहीं, शायद मौत के बाद ही। माया बिटिया, रो मत, उठो चाय पी लो। रामू काका, इन लोगों ने शराब पिला पिला कर तुम्हें भी बर्बाद कर दिया। आज तुम्हें शराब और चाय में फर्क दिखाई नहीं देता। जाओ उनके सामने रखो, तुम भी उन्हीं में घुल मिल गए हो। और सुनो, कल से तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना। मैंने तुझे गोद में खिलाया और तुम मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से, जाओ। मालिक, आज मानसिंह ने ज्यादा पिला दी। इसीलिए विस्की की जगह यहाँ चाय रख दी तूने, हाँ? मालिक, पिटिया ने मुझे घर से निकाल दिया है। अच्छा? घर से निकाल दिया। रो मत रामदास, जब तक मैं यहाँ हूँ तुझे यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। ये ले पी ले, पी ना। करो नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, दैट्स इट। ये ले। आप कितने अच्छे हैं मालिक। ये आपस में बांट लो। थैंक यू सर। मानसिंह जी, मैं जरा बाहर जा रहा हूं, कोई बात हो तो मुझे फोन कर देना। और सुनो, घर का जरा ख्याल रखना। इत्मीनान रखिए। चलो। थैंक यू। अरे उन दोनों के झगड़े में तू क्यों चौधरी बना है? दुनिया में सबकी लड़ झगड़ कर निप जाती है, उनकी भी निप जाएगी, तू वहां मत जा। लेकिन माँ, तुम तो जानती हो मेरी और माया की दोस्ती कॉलेज के जमाने से है, साथ पढ़े साथ खेले। तब वो कुंवारी थी, अब वो शादीशुदा है। तुझे नहीं मालूम बस्ती के लोग तुम दोनों के बारे में कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो क्या मैं माया से मिलना जुलना बातचीत करना बंद कर दूं? माँ, तुझे याद नहीं माया के पिता ने मरते वक्त मुझे माया का भाई और तुझे माँ बनाकर दम तोड़ा था। क्या इस सब रिश्ते में दुनिया वालों की बातों से भुला दूँ? नहीं माँ, माया मुश्किल में है और मेरी मदद चाहती है। मैं रमेश के पास जाऊंगा और उसे समझाऊंगा, और अगर माया की गलती हुई तो माया को समझाऊंगा। मुझे रमेश से डर लगता है, वो अच्छा आदमी नहीं है। मेरा जीना हुआ मुश्किल, वो नया हार गई मैं।
रात के गले में सितारों के जेवर कितने अच्छे लगते हैं। ये हार सुबह उतर तो नहीं जाएगा? Don't be stupid, darling. ये फूलों का हार नहीं जो बासी हो जाए। Darling, किसी को पता चले कि मैं तुम्हारे पास हूँ। ओह, चुन। मालूम ना हो कि साहब यहाँ है। डोंट वरी मैडम, किसी को भी मालूम नहीं होगा। यूं समझिए कि मैंने भी कुछ नहीं देखा। रमेश, आदमी तो भरोसे का है ना? इतना क्यों डरते हो? मोहब्बत करते हो या चोरी? चोरी। चीयर्स, कम ऑन। अरे रवि, ये क्या कर रहे हो? ओह लॉर्ड, कम ऑन डार्लिंग। छोड़ो ना, ओह छोड़ो ना। मैं चोरी की मोहब्बत नहीं चाहती। तो फिर क्या चाहती? ऐसी मोहब्बत जिसमें आइंदा कोई डर न रहे, कोई खतरा न रहे। बस नहीं रहेगा, अब तो अपनी सेवा करने दो। नहीं रमेश, मेरी सुहागरात तुम्हारे घर पे होगी, यहाँ नहीं। वो दिन भी दूर नहीं रहा। आज रात ठीक 12 बजे राजा मेरे घर पर आ रहा है। क्यों? कल सुबह मेरी बीवी कोर्ट में जाकर मुझसे तलाक लेना चाहती है और उसके बाद मुझसे अलग रहना चाहती है। उसी का फैसला कर रहे हैं। तलाक? So sweet. लेकिन तलाक के बाद तुम क्या करोगे? सारी दौलत तो उसकी है। मुझे ऐसा तलाक नहीं चाहिए। तुम फुटपाथ पर आ जाओगे डार्लिंग। मुझे फुटपाथ पर लाने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ स्वीट हार्ट। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता। साफ साफ क्यों नहीं बताते कि क्या करोगे? राजा के आने से ठीक 15 मिनट पहले
करते हो भैया, मारने की बात बड़ी अच्छी नींद आती है। सब समझ गए ना? यस सर। सब काम होशियारी से। जी। टाइम क्या हुआ साहब? 11:40। मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम भी बचोगे नहीं। मैं वापस आऊंगी। डंडा खेलेगा? कौन है तुम? मालती! आजी! मैं पूछता हूँ कौन है तुम? इधर कैसे आई? शिवजी की जटा से, गंगा जी के साथ। वो उधर चली गई, मैं इधर आ गई। क्या ठंडी है रे, कंबल देना। हराम खोर उल्लू कहीं के, ये लड़की कौन है? इधर कैसे आई? बोलते क्या नहीं? मुझे कुछ मालूम नहीं। बहुत भूख लगी है, खाने को देना। ये माई कौन है? इस माई को लल्ला हुआ है। लल्ला छोटा सा लल्ला मरे अंगना में। कोई पगली मालूम होती है? बकवास का मैं जल्दी कराओ। यस सर। जल्दी करो, बहुत भूख लगी है। अपने बंद कर दो। जल्दी उसे बचा दिया। जी अच्छा, तुम्हें चलता हूँ। इतनी रात को? माया कहाँ है? अपने रूम में। मालिक अभी तक घर में नहीं आया साहब। माया, ए माया, कमाल है, मुझे खास तौर से बुलाया और खुद सो रही हो। माया, ए माया। मालकिन, किसने खून कर दिया? खून? मालकिन, ये तूने क्या किया? मालकिन ने खून कर दिया? मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। तू पुलिस को फोन करो जल्दी। मैं बेकसूर हूँ, मैंने खून नहीं किया, मुझे छोड़ दो। माँ तो याद आ गई तुझे? और क्या क्या याद आया? बोल क्या क्या देखा तूने?
पागल। देखो तुम मुझे मारोगे तो मैं भी मारूंगी, मैं ही मारूंगी। अच्छा। देखो ना मरता है। मत मारो बेचारी को, ये तो बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा बता तो, तुमने इनको उस घर में क्या करते हुए देखा था? बोलो बोलो। इसको तो ऊंट पे बैठते हुए देखा था। अच्छा ऊंट पे बैठते देखा? दुखता है। दुखता है? अब बोलो क्या देखा था उस रात? कुछ नहीं, सच्ची। सच्ची? बोल बोल क्या देखा था उस रात, बोल। गाँव देखा था, गाँव देखा था। इसे तो कुछ भी याद नहीं, बिल्कुल पागल लड़की है। पागल हो या ना हो, ये हमारे लिए खतरा है। इसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, किसी के सामने कुछ भी बक सकती है। तो फिर इसे जिंदा रखने का फायदा? तुम बहुत भोले हो मानसिंह। खून करना कोई मुश्किल बात नहीं, खून सफाई से हो जाए यही बड़ी बात है। सर मुझे सोच लेते। योर ऑनर, मैंने राजा को फोन पर यह कहते हुए सुना कि मैंने तुम्हें शादी करने से मना किया था। पर तुमने नहीं माना, इसलिए अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। फिर कुछ रोमांस का भी जिक्र हुआ। राजा ने पूछा रमेश रात को कितने बजे आएगा। जवाब मिलने पर राजा बोला मैं रात 12 बजे आकर सब ठीक कर दूंगा। इसके बाद उसने कहा मैं झगड़े फसाद से नहीं डरता। वकील मेरा क्या कर लेगा, तुम्हें अब वही करना होगा जो मैं कहूंगा। और 12 बजे रात को राजा हमारे घर आया। मैंने उसे मना किया कि मालिक घर में नहीं है, फिर भी वो मुझे ढकेल कर ऊपर चला गया। कुछ देर बाद लगा कि हमारी मालकिन और राजा में झगड़ा हो रहा है, हमने मालकिन की चीख सुनी। हम दौड़कर ऊपर गए और देखा राजा ने हमारे सामने मालकिन का खून कर दिया। राजा ने हमारे सामने चाकू से मालकिन का खून कर दिया और मैंने लपक कर उसे पकड़ लिया। और मैंने मालिक और पुलिस दोनों को टेलीफोन कर दिया। उस वक्त मैं शहर के रईस और इस इलाके के एमएलए पुरुषोत्तम जी के घर पर था। जी हाँ, ये उस वक्त मेरे मकान पर थे और वहीं मेरे सामने फोन पर इन्हें खून की इत्तला मिली। मिलोट, राजा मेरी पत्नी का बचपन का दोस्त था। मेरी पत्नी उसे अपने भाई की तरह मानती थी। वो बेचारी एक सीधी सादी पूजा पाठ करने वाली रहम दिल औरत थी। उसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई ना था। वो मुझसे बेहद प्यार करती थी, लेकिन राजा हमारी शादी से खुश ना था, क्योंकि मिलोट वो खुद माया से शादी करना चाहता था। पर माया ने उसे ठुकरा दिया मिलोट और मुझसे शादी की। दौलत के लालच में राजा हमेशा मेरी पत्नी को बहका धमका कर हमारा तलाक करवाना चाहता था, ताकि वो उससे खुद शादी कर सके। वो बेचारी हमेशा उसे समझाया करती थी और आखिर उसे ये अंजाम। ये झूठ है, ये सब झूठ है मिलोट। अरे ये सभी झूठ है, लेकिन अदालत को ये देखना है। सभी गवाहों के बयान झूठे हो सकते हैं। एनीवे 20 जून। माँ, वकील साहब क्या कहते हैं? तू छूट जाएगा। नहीं माँ, मुझसे छुपाओ मत, सच सच बताओ। वो कहते थे कानून तेरे खिलाफ है, गवाह तेरे खिलाफ है। चलो चलो अंदर चलो। बेटा घबराना नहीं, भगवान सब ठीक कर देगा। अपना ख्याल रखना माँ। माँ बेटा, माँ बेटा, बेटा, बेटा। बालक, तेरे ऊपर किसी स्त्री की हत्या का आरोप है। मैंने किसी की हत्या नहीं की। बेटे कानून हमसे सीखो, हत्या की हो चाहे ना की हो, लेकिन हत्या का सबूत कोर्ट को नहीं मिलना चाहिए, बस तुरंत छूट जाओगे। लेकिन सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं। तो फिर गए काम से। पंडित जी आप यहाँ कैसे? क्या बताऊं यार, मैंने इसकी जन्मपत्री देख के बताया कि आज जहाँ भी हाथ डालेगा पैसा ही पैसा मिलेगा। इस मूर्ख ने एक पहलवान की जेब में हाथ डाल दिया। आधे पैसे आपकी जेब से निकले थे पंडित जी। हाँ, वो तो मेरी दक्षिणा थी। अपनी जन्म पत्री नहीं देखी थी पंडित जी? देखी थी, उसमें भी जेल ही जाना लिखा था यार। Thank you.
पहाड़ की तरह क्यों खड़ा है? भाग, असली मुझसे को पकड़ अपनी जान बचा, यही मौका है। कानून तेरे खिलाफ है, गवाह तेरे खिलाफ है। भागो मत, वरना गोली मार दूंगा। थानेदार साहब, वो यहाँ नहीं आया, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा बेटा खूनी नहीं है। तो वो पुलिस से बचकर भागा क्यों? ये उसने बहुत बुरा किया। हवालदार साहब, घर में कोई नहीं। वो इतना बेवकूफ नहीं है जो पुलिस से फरार होकर सीधा यहाँ आ जाए। उसे मालूम है पुलिस इस बस्ती के कोने कोने में उसका इंतजार कर रही है, लेकिन कुछ दिन इधर उधर छुपने के बाद मौका देखकर वो आएगा यहाँ जरूर। देखिए, कानूनन आपका फर्ज है, जैसे ही आपको उसके बारे में इत्तला मिले आप फौरन हमें खबर कर दीजिए। जी। बान सिंह राजा पुलिस की हिरासत से क्यों भागा? ऐसे सबूत इकट्ठा करने के लिए जो उसे फांसी के तख्ते से बचा सके। जानते हो इसका मतलब हमारे लिए क्या है? खतरा। बान सिंह, जिंदगी की राहों में कदम कदम पर खतरा है। फांसी के फंदे से बच के भी वो मरने से नहीं बच सकता। कैसी बदकिस्मती है उस गरीब के लिए, पुलिस के हाथों पहुंचने से पहले मौत उसकी तरफ हाथ बढ़ा सकती है। कोई हादसा, कोई खतरा, कोई एक्सीडेंट, पुलिस के हाथों पहुंचने से पहले। राजा नाम का एक खूनी पुलिस से बचकर भागा है, जैसे भी उसे गिरफ्तार कर लो। उसका उलिया साहब, नीली आंखें, गोल चेहरा, लंबा कद, गोरा रंग, खूबसूरत जवान, तंदुरुस्त। ये तो आप मेरा उलिया बता रहे हैं। क्या? क्या? जी हाँ, मेरी औरत बोलती मैं अभी नौजवान हूँ, खूबसूरत हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मेरी भी नीली नीली आंखें। शट अप, औरत किसी की भी हो बोलती ज्यादा है। अगर तरक्की करना है तो राजा को गिरफ्तार कर लो। तरक्की तो मैं भी करना चाहता हूँ साहब, लेकिन क्या करूँ, बगैर चश्मे के मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। चश्मा लाओ, चश्मा लगा के तलाश करो। हमें इत्तला मिली है कि राजा इसी इलाके में कहीं छुपा हुआ है। कोशिश करो कि वो भागने ना पाए। ये रही उसकी तस्वीर। समझ गए। ठीक है, जाओ। ठीक है साहब।
बोलो सर। क्या है? पूरी भाजी बिस्कुट सेब चूड़ा भजिया पाव। एक भजिया पाव लेके आओ। क्यों गए? इंस्पेक्टर की वर्दी में सुंदर लगूंगा ना। भाभी तो देखते ही बेहोश हो जाएगी। हो जाएगी ना? जी हाँ। लेकिन सरकार मेरा क्या होगा? अबे रोता क्यों है, तू भी तो हवलदार बन जाएगा। सच? हाँ। अब तो आप मुझे सचमुच के इंस्पेक्टर दिखाई देते हैं। अबे उधर नहीं इधर दिखाई देते हैं। मुबारक हो मुबारक हो। होटल सामने है। ए, सरकार इस तरक्की की खुशी में आप चाय भजिया की पार्टी नहीं देंगे? चाय भजिया? हाँ आओ मेरे साथ। चलो बैठिए इंस्पेक्टर साहब। चौक रहा बोलो ना। अरे ये भाई कहाँ गया? कौन भाई? अरे जो भी दबदा खाना छोड़ के भाग गया। खाना भाग गया? अबे खाना नहीं आदमी भाग गया। कैसा था वो आदमी? लंबा कद गोल चेहरा और नीली नीली आंखें। नीली आंखें? अरे ये तो वही था। वही था। अरे हट तू, हट तू। उधर नहीं उधर नहीं, इधर से भागा, इधर से। किधर से? इधर से भागा। रमेश ने जैसा हुक्म दिया है उसके मुताबिक आज उस लड़की को खत्म कर देंगे। जी हाँ। सुनो काम बहुत होशियारी से होना चाहिए। मारने के बाद उसे कहाँ फेंकना है वो मालूम है ना? जी हाँ। मैं चलती हूँ। ए पगली तू ये क्या कर रही है? रोटी पका रही हूँ, खाओगे गर्मा गर्म? हाथ जल गया। चलो अंदर चलो। ए चलो इस बंगले में चल के देखें। चलिए सरकार। जिगर के छल्ले दिल मत तोड़, बात मान जा, आजा मेरे पास आजा। बहुत गर्म हो गई है क्यों?
तू क्या समझती है मैंने बहुत पी लिए, मुझे दारू चढ़ गई है और तू मुझे धांसा देकर बंद पड़ी रहेगी? अरे मैं तेरे अंजर पंजर ढीले कर दूंगा, तू मेरा गुस्सा नहीं जानती, बिखर जानते गुस्सा छोड़ दिया है, ले तू थोड़ी सी पीले पीले स्कॉच है, स्कॉच ब्लैक से लाओ 110 की। कौन है ड्राइवर? अबे कहां मर गया था तू? है मत खोला वरना इसी चाकू से तुझे मार डालूंगा, चल। अबे काम मर गया, एक घंटे से गाड़ी बंद पड़ी है, कब बोलता क्यों नहीं तू? जी हजूर, गाड़ी स्टार्ट कर दूं? गाड़ी बाद में स्टार्ट करना, पहले ये बता कौन से हाथ बट्टी की मार के आया, गया था तो काला और बशकल, आया है तो गोरा और खूबसूरत बनकर है, ये कौन है? जी लड़की है सर। लड़की है तो मैं भी देख रहा हूँ, तेरी ये लफड़ेगिरी करने की आदत नहीं गई है, चल भगा इसको, भगा भगा भगा। मेरी औरत है। औरत है तो मत भगा, पकड़ के रख पकड़ के रख। मगर इस बिचारी का मुंह क्यों बंद कर रखा है तूने? बोलती बहुत ज्यादा है। आप गाड़ी में बैठिए, मैं अभी गाड़ी स्टार्ट कर देता हूं। अच्छा मैं गाड़ी में बैठ दूं? मैं गाड़ी में, मगर दरवाजा किधर है? चल 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी, जरा चलना यार, अपना कोट फंस गया भाई, बाबा कोट फंस गया, आप चल जाने दे। चल 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी, अरे चल 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 चल। क्या हुआ है? सारी खराबी तो मालूम होता है, वरना दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जो दो पैग स्कॉच पी कर भागने न लगे हैं? बोल बोल बोलना भाई। जी आपको धक्का लगाना पड़ेगा। क्या भगता है बे सेठ जी, वो धक्का मारेगा गाड़ी को है? वरना रात भर ये गाड़ी यहां से चलेगी नहीं। नहीं चलने दो। आपको मालूम नहीं है ये डाकू का इलाका है। पहले बोलना था ना, हाथी मेरे साथी, चल 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 मेरे हाथी, अरे धक्का नहीं लग रहा है, सब पी उतर गई। चलिए चलिए गाड़ी चलिए। देखा को? चिल्ला मत, यहाँ से मैं इधर, तू उधर। मैं उधर? हाँ, अब तू पुलिस से बहुत दूर आ चुकी है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चल उधर। फुट फुट है लड़की। ये ले कुछ पैसे, किसी भी गाड़ी या ट्रक में बैठ कर घर चले जाना, और मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर था, ये लो। और सुन, अगर मेरे बारे में किसी से कुछ कहा तो जान से मार डालूंगा, चल भट। देखा? जी नहीं। अरे अंदर बाहर अच्छी तरह से देखा? होटल के अंदर बाहर सब। आहिस्ता आहिस्ता बात करो। होटल के अंदर बाहर सब जगह देखा, यहाँ राजा तो क्या, राजा की परछाई तक नहीं है सर। अच्छा तुम अंदर बैठो और सड़क पर आती हुई हर गाड़ी और आदमी पर गौर से नजर रखो। ओके सर। क्यों बाबू, माल इधर से उधर जा रहा है या उधर से इधर? ये साला पुलिस लोग ने खाली पीली अपने धंधे को नजर लगा दिया, 3 महीने अंदर था, कल बाहर आया, पर सारा धंधा बड़ा नरम। पता अंग्रेजियों तो देसी आ गया ठर्रा। सरदार जी कोई कमरा है? कमरा साथ है कोई? हाँ अकेला हूँ। तो फिर कमरे के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है बाबू जी, खाट बिछवा देता हूँ और सो जाओ। मुझे कमरा ही चाहिए, लोगों के बीच मुझे नींद नहीं आती। बल्ले हो बाबू, लुगाई साथ है तो बाहर कैसे सोए? ओ अखराती खोल दे 5 नंबर का कमरा। लेकिन सरदार जी मेरे साथ नहीं है। अरे वाह, गाड़ी में साथ, मोटर में साथ, और साथ कैसे नहीं? मैंने तुझे क्या कहा था? कहा था ना चली जा। अच्छा अच्छा रो मत पहन, घर में ऐसा ही होता है। काके दी माँ की है जी, जान खा गए की है। देखो ओ बोले बादशाह, इन्हां दी आपस च बनदी नहीं,
तू भैन जी नू अपने साथ सुला ले। ओए, तू शादी झगड़ा करन वास्ते कीती है, अपनी वाटे नू प्यार नहीं करदा। लेकिन मेरी बात चुप है, बात दे पुत्र। नी तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रहे, जमा एक धोतड़ भारी जाए एदी अकल ठिकाने आ जानी है। ए मर्द हुआ तो क्या है, आजकल औरतों का जमाना है। आ मेरे नाल, एनू सुबह देखांगी, चल मेरे कोल, फेटे मुंह ना होवे ते। खाने को क्या भेजूं? जो जी चाय भेज दो। दो थाली पांच नंबर। अच्छा जी, मैंने तुझे जाने के लिए कहा था ना, मेरा पीछा करेगी? नहीं, देखो ना बाहर कितनी बारिश है, ना गाड़ी ना घोड़ा, बहुत मुसीबत है ना। तो उस मोटी के साथ जाकर सो जा। मैं उसके नीचे दब गई तो? तो जहन्नम में जा, इस पिछले दरवाजे से बाहर चली जा। जो जी जाए कर। क्या नहीं जाएगी? बोल, चाहती है कि नहीं? कितना अच्छा चाकू है, देखो 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 देखो, चक 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 चक। चल दूर हट। क्यों? हाथ कट जाएगा। चल बाहर, चल चल। जाऊं? जा। ओ बाबू, क्या है? कुछ नहीं, जरा बीड़ी सुलगा रहा था। मालूम होता है, चल गई है तेनू। क्यों बाबू? ओ फिर लड़ाई हो गई है? ओ जा मना लिया, बेचारी बारिश में भीग रही होगी। ओ तू मर्द होके औरत पे जुल्म करता है, ओ तुमको शर्म नहीं आउंदी? जा। सरदार जी, मैं कल सुबह जल्दी जाना चाहता हूँ। कोई ट्रक वगैरह पहाड़ की तरफ जाएगा? हाँ हाँ, दो सीटों का बंदोबस्त कर देता हूँ। तू खाना खा और उसको भी बुला लिया। कुत्ते की तुंडी कभी सीधी हुई है? पागल हो क्या? चुप, गला क्यों फाड़ रही है? तुमने मुझे पागल क्यों कहा? सब मुझे पागल कहते हैं। तुम पागल कहा तो मैं चिल्लाऊंगी। क्या मैं पागल हूँ? क्या सब तुझे पागल कहते हैं? हाँ, लेकिन सुनो, मैं बहुत अकलमंद हूँ, समझे? समझा। समझ गया। अंदर चल। नहीं। चल के कुछ खा ले। नहीं। भीख मत। नहीं, देखते नहीं मैं काम कर रही हूँ। चलो उठ। मैं चिल्लाऊंगे। चिल्लाएगी तो तेरा गला कौन तोड़ेगा? चल अंदर, चल। क्या नाम है तुम्हारा? नाम नाम नाम। हाँ। क्या है? भोलानाथ की जोरू। भोलानाथ, भोलानाथ की जोरू। जोरू, तेरा ब्याह हो गया है? नहीं। तो फिर भोलानाथ की जोरू? हाँ, भोलानाथ की जोरू मतलब गौरी। कहा था ना मैं कितने अकलमंद हूँ। गौरी, मैं जहां से तुझे लाया था वहीं वापस पहुंचा दूंगा। मैं वहां नहीं जाऊंगी, वो मेरा घर थोड़ी है। तो फिर तेरा घर कौन सा है? अरे जहां खाया जहां खिला वही मेरा घर है। ये मेरा घर है। जहां से तुझे लाया था वो लोग कौन है? ले रोटी खा ले। हाँ
तेरे माँ बाप? धोखेबाज। क्या? हाँ, मुझे छोड़ के। कहाँ? ऊपर। खाना हो गया, अब मैं उन्हें खाऊंगी। अच्छा सुन, अगर तुझे कोई पूछे कि मैं कौन हूँ तो क्या जवाब देगी? जानवर है। हाँ। ए, क्या है? हाथ पे सो। नहीं है? सर्दी लग रही है? सरदार जी, और वो उसके कपड़े भीग गए हैं, आपके पास कुछ साड़ी वगैरह होगी? ओए, कपड़े तो मैं अपने काके की माँ के तुम्हें दे देता, पर उस साइज में प्यारे तुम्हारी 3 बीवियां समा जाएंगी। इस पगड़ी से काम निकाल ले। चलो कपड़े बदल ले। क्यों, कहीं जाना है? मेले में जाना है? अरे तेरे कपड़े जो भीगे हुए हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी है। अरे अरे अरे, ए, क्या कर रही तू? अरे डांटता क्यों है, चल बाहर निकल, भाग जा। डांटता है। कहां फंस गया मैं? डांटता है। आओ, ए, ए। सरदार जी कहां है? अपने कमरे में है सरदार जी। और देखो, तुम लोग जाकर होटल के चारों तरफ पहरा दो, कहीं वो भाग ना जाए। चलो जल्दी करो। कौन है? पुलिस। चल सो जा, चल सो जा। एक लंबा सा जवान आदमी यहाँ का ठहरा है। जवान? लंबा सा? हाँ हाँ। और उसके साथ एक खूबसूरत लड़की भी है। लड़की वड़की नहीं है, वो तो उसकी औरत है। वो उसकी औरत नहीं है, कौन सा कमरा है? है? वो 5 नंबर सामने वाला जी। ओ बच्चू, ओ उठो, बाहर गवर्नमेंट तेरे स्वागत वास्ते आई है। इंस्पेक्टर साहब। ये आदमी भागने की कोशिश कर रहा था साहब। हाँ ये वही आदमी है। क्या गड़बड़ घोटाला है इंस्पेक्टर साहब? जैसे धर्मचंद का ड्राइवर है, उसकी लड़की को लेकर भाग रहा था। पकड़ो इस लड़की को। कहाँ जा रही है? चल इधर, गाड़ी चाबी लाओ, ले चलो इन लोगों को। चलो
नहीं लगता। नहीं, तुम्हारे कितने बच्चे हैं जी? बच्चे? क्या मतलब? मैं तो अभी कुंवारा हूँ। तुम कुंवारे हो? जी हाँ। समझी, तुम कुंवारे हो। कहाँ से मिल गई? तुम क्या कुंवारों के बच्चे नहीं होते? चल चल जा, चल जा। तुम्हारी छुरी कहाँ है? छुरी? छुरी? कौन मान सिंह? उस पगली का पता चला? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। नवाब साले, उस पगली को ढूंढो। मुझे हर कीमत पर वो पगली चाहिए। और सुनो, उन आदमियों का क्या हुआ? उनको फौरन यहां लेकर आओ। खाना लाऊं साहब? तुम इधर क्यों खड़ा? जाओ। साहब हमको डर लगता है। डर लगता है? ऊपर ऊपर मालकिन के कमरे में औरत है साहब। औरत? ए उल्लू कहीं के, तेरी मालकिन के मरने के बाद वो कमरा बंद कर दिया था, वहां ताला लगा है। हम सच कह रहे हैं। ए पुटे जाओ। डोंट ईट माय हेड। साहब मेरी बात सुनो साहब। ओह माय गॉड, सब बेकार लोग कहां से चले आते हैं? कमरे में कोई है, डर लगता है। सारे 24 घंटे दारू पीते रहते हैं।
रजनी, तुम रमेश? माय गॉड रजनी, मैंने तुम्हें मना किया था जब तक केस का फैसला ना हो जाए तुम यहाँ पर मत आना। किसी ने देख लिया तो? आज रात तुम क्या? धीरे बोलो। तो मुझे फिक्र हुई इसलिए मैं यहाँ चली आई। लेकिन ये सब क्या है? ये तो माया के शादी के कपड़े। हाँ, मैंने सोचा अब तो सब कुछ मेरा है। तबीयत हुई इन्हें पहनकर तुम्हारी दुल्हन बनने की इच्छा पूरी करूं। रात बहुत हो चुकी थी, अकेले में जी घबराया तो मैं पियानो पे जाने लगी। अचानक सारी लाइट्स ऑफ हो गई, मैं डर कर अंदर आ छिपी। सुना घर के सन्नाटे में कोई झम झम चल रहा है। तुमने भी घुंघरू की आवाज सुनी? हाँ रमेश, ये घर अच्छा नहीं है, बहुत मनहूस है, तुम फौरन इसे छोड़ दो। नहीं रजनी, जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता मेरा इस घर पर पूरा पूरा कब्जा रहना बहुत जरूरी है। मुझे बात है। इस घर में सब क्या हो रहा है? मुझे भी कुछ नहीं मालूम। रजनी, ये सुहाग का जोड़ा मेरे लिए कफन है, इसे उतार कर फौरन अपने कपड़े पहनो। तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, जाओ। सुनो, मामला बहुत बिगड़ता जा रहा है, तुम किसी तरह राजा के घर पर अपनी नजर रखो। वो अपनी माँ को मिलने आए तो फौरन मुझे खबर दो, समझी? अच्छा। जाओ। क्या बात है साहब? कुछ नहीं कुछ नहीं। मान सिंह जी साहब, ये वही आदमी है ना? जी हाँ, निहायत शरीफ लोग हैं, हमारे मतलब के और भरोसे वाले आदमी हैं। हमारा तो धंधा ही है साहब, बस माल मिलना चाहिए। मुझे इस लड़की की तलाश है, पता चला है कि ये मेरे दूर के रिश्ते की बहन है। इसे गौर से देखो, ये अचानक गायब हो गई है। ये पगली है और तुम दोनों को पहचानेगी नहीं। और मान सिंह ने हमें सब कुछ बता दिया है। मान सिंह जी, तुम इन दोनों को 2,000 रुपए दे दो। जी हाँ। और 3,000 काम के बाद। और सुनो, एक बात याद रहे, ये लड़की मुझे हर कीमत पर 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए। मिल जाएगी। मान सिंह जी, बैंक बैंक आइए। करने जा रहे थे? नहीं, जहन्नम में जा रहा था। मत जाना, बहुत खराब जगह है। चुप।
हुआ? कुछ नहीं, ऑटो मॉम का तजुर्बा हो रहा है। व्हाट द हेल यार, ट्रक क्यों रोक दिया? हैं? तुम लोगों को लाइसेंस कौन दिया? लाइसेंस पुलिस ने दिया और ट्रक मैंने रोका है। Who the hell you are? Oh, I the hell inspector sir. Good morning sir. ट्रक रोक दो। क्या बात क्या इंस्पेक्टर साहब? एक खूनी पुलिस से बचकर भाग गया। भाग गया? और हमें खबर मिली है वो इसी एरिया में है। ओ गॉड। गाड़ियों की तलाशी लो। Too much dust. Very nice. लेकिन इंस्पेक्टर साहब आज मुझे क्यों गौर से देख रहे हैं? मैं तो खूनी नहीं हूँ, मैं चार्ली नाटक कंपनी का प्रोप्राइटर हूँ। यहाँ से 40 मील दूर समसाबाद स्टेशन के समीप आज शाम को 7 बजे हमारा शो है, आप भी जरूर आइएगा। मेरा बाप भी इसी धंधे में था, पंडित शामता शरण, आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर कथक। मैंने आपसे कुछ पूछा है? जी पूछा तो नहीं, व्हाई द हेल आई एम टॉकिंग। तो फिर आप खामोशी से गाड़ी में बैठ जाइए, हमें खूनी को ढूंढने दीजिए। खामोशी से? जी यार, व्हाई द हेल यू आर ऑल नियर टू मी, इतने नजदीक क्यों आ रहे हो? मैं समझा तुम ही खूनी हो। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? फिर जेल जाने की तैयारी कर रहा है क्या? नहीं मालिक, नहीं, आप लोगों ने तो मुझे धर्मात्मा बना दिया है। मालिक कोई खूनी की तलाश है? गाड़ी में नहीं है साहब। अच्छी तरह देख लिया? जी हाँ, अच्छी तरह देख लिया, नहीं मिला। All right, जाने दो सब गाड़ियों को, जाने दो। सेठ जी, क्या है बे? उन दोनों का पता नहीं, दोनों भाग गए। चलो भाग गए तो अच्छा हुआ। अबे कहीं वही तो खूनी नहीं था? जान बची, लाखों पाए, जल्दी से गाड़ी चला, जल्दी बाबू, जल्दी। तुम जाओ सेठ, मैं किसी और गाड़ी में आ जाऊंगा, जाओ। गो टू हेल। लेकिन तेरे साथ रहूंगा तो जरूर पकड़ा जाऊंगा, इसलिए नमस्ते। मुझे अकेला छोड़ के जाओगे तो मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी। हाँ हाँ, जोर जोर से चिल्लाओ, गला फाड़ के चिल्लाओ, यहाँ तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है। हम सड़क से बहुत दूर आ चुके हैं, तुम जानो और तुम्हारा काम, मैं चला। ओ खूनी, सुना नहीं देता? हमसे न तोड़ यारी, ना तोड़ हमसे यारी, बाबा रे हमसे न तोड़ यारी, ना तोड़ हमसे यारी, यारी है चीज प्यारी, प्यारी यारी है चीज प्यारी, हम है गुलाम तेरे, आएंगे काम तेरे तेरे, हमसे न तोड़ यारी, ना तोड़ हमसे यारी, यारी है चीज प्यारी, प्यारी यारी है चीज प्यारी, हम है गुलाम तेरे, आएंगे
तरफ दुनिया सारी सारी, हमसे न तोड़ यारी, ना तोड़ हमसे यारी। Thank you.
छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। भाग गया, बहुत चोट लगी। चुप, जबरदस्ती गले में पड़ा हुआ ढोल ना उतार सकता हूँ ना बजा सकता हूँ। चल, मुझे जल्दी अपने शहर पहुँचना है। कौन? नमस्ते माँ जी। माफ करना, मैंने पहचाना नहीं। मैं मीरा हूँ, राजा के कॉलेज की दोस्त। अच्छा अच्छा, अंदर आओ बेटी, अंदर आओ। बैठो बेटी। अखबार में पढ़ा तो मालूम हुआ कि राजा के सर खून का इल्जाम है। हाँ, मगर ये इल्जाम झूठा है बेटी, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन किससे कहूँ, पुलिस, अदालत, पड़ोसी, कोई हमारी बात मानने को तैयार नहीं। धीरज रखिए माँ जी, लेकिन वो है कहाँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सुना है पुलिस से बचकर कहीं भाग गया है। थानेदार कहते थे ये उसने बहुत बुरा किया, अब क्या होगा? हिम्मत माँ जी, मैं इस मामले में आपकी पूरी मदद करूंगी। मेरे पिताजी की पहचान बड़े बड़े वकील, जज और पुलिस के अफसरों से है। मैं पिताजी से कहकर उसे जरूर बचाऊंगी। सच बेटी? हाँ माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। जीती रहो बेटी। बेटी, तुमसे मिलकर कितनी हिम्मत मिली कह नहीं सकती। जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया तो भगवान ने तुझे भेज दिया। बेटी, वो बच जाएगा ना? हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ। जुग जुग जियो बेटी, भगवान मेरी उम्र तुम्हें दे। माँ जी, मुझे पूरा यकीन है कि वो पुलिस से बचकर जरूर आपके पास आएगा। अगर वो आया तो मैं तुझे जरूर खबर कर दूंगी। लेकिन तुम्हारा घर? इसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं खुद ही आपका हालचाल पूछने आया करूंगी। चल बाहर निकल जल्दी। अरे वाह, तू ज्यादा चिल्लाएगा तो मैं और पानी में जाऊंगी, फिर डूब जाऊंगी, फिर मर जाऊंगी, और फिर मेरी लाश पुलिस को मिलेगी और तेरा इल्जाम डबल हो जाएगा। लो मैं चली। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही है तू? रुक तो। अच्छा बाबा, नहीं चिल्लाऊंगा, बाहर तो आ जा। मुझसे कुछ कहा? हाँ हाँ, तुझसे ही कह रहा हूँ। तू समझती क्यों नहीं, मुझे देर हो रही है। अरे मेरे पास तो फुर्सत ही फुर्सत है। ए गौरी, तू तो बहुत ही अच्छी लड़की है, चल आ जा बाहर। तू भी बहुत अच्छा है, कैसे मीठी मीठी बातें करता है। आती हूँ आती हूँ। चल चल आजा आजा आजा। शाबाश। नहीं नहीं, तू तो वाकई बहुत अच्छी लड़की है। हाँ। ए पगली, मेरे से बिना पूछे पानी में क्यों गई थी? तो फिर डांटता है, लो मैं चले। अरे अरे अरे, मुझे माफ कर दे, आइंदे से नहीं डांटूंगा, बस। हाँ चल चले। अब आया ना लाइन पे, जरा पटरी बदलेगा तो गाड़ी लाइन से उतर हाँ, जाएगी। हाँ ठीक है, चल चले। चलो चलो। अरे अरे, उधर नहीं, इस तरफ। अच्छा, इंजन भरो। मैं? हाँ। गाड़ी रोको गाड़ी रोको, स्टेशन आ गया है। स्टेशन आ गया? हाँ। चल कपड़े बदल ले। फिर? कपड़े बदल ले, वरना गाड़ी के लिए ही चलती रहेगी, है ना? अरे वाह, चल ले। क्या कपड़ा है? अरे अरे अरे, इसे पहन के तो मैं राजा बन जाऊंगी, और फिर मेरे सामने कोई आएगा थे, 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 अच्छा अच्छा, अब इस झाड़ी के पीछे जाके कपड़े बदल ले। हाँ तू भी जा, हाथ मुझे। हाँ हाँ हाँ, भगवान ही बचाए।
रंजन, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम है, अरे मेरा नाम पूछ के क्या करेगी, तुझे कहा ना एक बार मेरे बारे में कुछ ना पूछ। तेरा नाम लिख के मुझे क्या गले में डालना है? मैं तो तेरी बहादुरी के लिए पूछ रही थी। तूने उस बाबू के बच्चे को जो दे धनाधन जमाया, तो मैंने सोचा तू जरूर साला कोई दारा सिंह का रिश्तेदार होगा। साला किसको बोलती है, मुझको या दारा सिंह को? अरे बाप रे, उसे साला कह के मार खानी है क्या? मैं तो तुझे बोल रही थी। और अगर मैंने तुझे मारा तो? तू मुझे नहीं मार सकता, तू अच्छा खूनी है। हाँ हाँ खूनी हूँ, अच्छा है कि तुझे याद है, इससे तेरी जबान तो बंद रहेगी, मेरे बारे में किसी से कुछ मत कहना, समझी? बोलूंगी, पुलिस से बोलूंगी। क्या बोलेगी? बोलूंगी मैंने खूनी देखा है। अगर ये बात तूने किसी से कही ना तो तुझे जान से मार डालूंगा पगली। अगर तू पागल ना होती ना तो मैं अपना पीछा कब का छुड़ा चुका होता। ये तो इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं क्योंकि तू पागल है। मेरा गला छोड़ दूँगा। नहीं छोड़ूंगा, जितना तुझ पे रहम खाता हूँ उतना ही तू सर पे चढ़ती जा रही है। चल मेरे साथ। नहीं जाऊंगी, तू अच्छा होने नहीं है। सॉरी। चिल्लाता है। डांटता है पापी। अच्छा चल, पहले मीठी मीठी बात कर। मेरी अच्छी अच्छी गौरी, मेरी मीठी मीठी गौरी, मेरी छक्कर जैसी पेड़ जैसी गौरी, अब तो चल। तुम मुझसे मीठी मीठी बात करोगे तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। हाँ, अच्छा, इसका मतलब मैं तुमसे जो कुछ भी कहूंगा तुम करोगी? हाँ? अगर मैं तुम्हें कोई भीड़ वाली जगह पे छोड़ दूँ तो? हाँ? प्यार से चली जाऊंगी, पर डांटना नहीं। डांटना? तौबा, कभी नहीं डांटूंगा। अच्छा रेलगाड़ी? हाँ, ठीक है। क्या देखती है? मुझे तुम्हारी मुझे 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 तुमने मुझे लगा के वीर घटोत्कच लगते हो। और तुम भी तो मुझे बिल्कुल परी लगती हो, परिया बिल्कुल परी लगती हो, मेरी चुंगले की गरी, इसी चुंगले की एकदम गुड़िया। राम 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 दी है या। मेरी प्यारी गौरी, मैंने जो कुछ भी समझाया समझ गई ना? अभी स्टेशन आने वाला है और मैं उतर जाऊंगा, और जब ट्रेन मुझे छोड़ के चले जाएगी तो मैं जोर जोर से रोने लगूंगी। और जब तुझे लोग पूछेंगे रोती क्यों तो भूल गई जिसके साथ थी वो? वो मुझे छोड़ के भाग गया। कोई नहीं है, मुझे पुलिस के पास ले चलो। आहिस्ता आहिस्ता, और फिर पुलिस आएगी और तुझे अपने घर पहुंचा देगी। तेरा भी कल्याण मेरा भी कल्याण। और सुन, मेरे बारे में किसी से कुछ कहेगी तो नहीं? बहुत अच्छी लड़की, बहुत अच्छी। मेरी गुड़िया जैसी गौरी, स्टेशन आने वाला है, अब मैं चलूं? जाऊं मेरी लड्डू? क्या हुआ? मुझे छोड़ के भाग रहा है। अरे नहीं झूठ बोल के। अरे हट्टा कहाँ है, अपना माल संभाल। चल। अरे भाई संभाला तो हुआ हूँ। नहीं संभाला, नहीं संभाला, मुझे छोड़ के भाग रहा है। कौन है तेरी? तू इसका मर्द है क्या? नहीं 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 भाई। नहीं, तू उधर उसके साथ कोने में बैठा क्या चुपा चट्टी कर रहा था? मैं सब देख रही थी, भगा के ले जा रहा था क्या? अरे ये शक्ल से गुंडा दिखता है। गुंडा? पुलिस का हवाले करो इसे। अरे गौरी। नहीं नहीं पुलिस नहीं, पुलिस नहीं, छोड़ो छोड़ो। भागता है बेहया मुर्दार, आग लगे तेरे मुंह में। अरे भाई माता जी, कौन भाग रहा था? देखिए ना मुझे कितना प्यार करती है, एक मिनट के लिए भी पीछा नहीं छोड़ती है। औरत तो जन्म भर पीछा नहीं छोड़ती, जोरू मरद का तो जन्म जन्म का साथ है बेटा। जी हाँ, जन्म जन्म का साथ तो है ही। चल राम राम जी। राम 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 काका। सौभाग्यवती बनी रहो बेटी, बड़ी अच्छी जोड़ी है दोनों की। ओ भाई जरा संभाल के लेके ले लियो संभाल के। यही लड़की है, किसी तरह से कब्जे में कर लो।
मेरी जीप ट्रेन के साथ साथ चल रही है, तुम्हें स्टेशन के बाहर मिल जाएगी। जी चाहता है तेरा गला दबा दूं। गला ठीक है, ए, जरा पांव दबा देना, बहुत दर्द है। हाँ, अभी तोड़ता हूँ तेरी टांग, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। मैंने तुझे क्या कहा था? क्या कहा था ना, मेरे चले जाने के बाद चिल्लाना, पहले क्यों चिल्लाई? मैं कहाँ चिल्लाई, मैं तो चुपचाप बैठी थी। हाँ हाँ, मैं चिल्लाया, मैं चिल्लाया। तुम क्यों चिल्लाए? ओफो, इस लड़के के साथ ये आदमी कौन है? मालूम नहीं। मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी है तू? पूरी 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 मुझे पूरी खानी है, पूरी खानी है, पूरी। मुझे खा ले, मुझे खा ले राक्षसी। हेलो साहब, माफ कीजिए, जरा एक मिनट इधर आएंगे, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो आपकी बीवी है? जी नहीं है, मैं जानता हूं। इसे पहचानते हैं? ये तो उसी की तस्वीर है। आपके पास कैसे आई? बस आपके पास मेरी बीवी है और मेरे पास उसकी तस्वीर। आपकी बीवी? जी हाँ, पागल है, घर छोड़कर चली गई और मैं उसी की तलाश में फिर रहा हूँ। अजी महाराज, कहाँ थे आप अब तक? फौरन तुरंत इसी वक्त अपनी बीवी को अपने साथ ले जाइए। ये इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वक्त वो मुझे नहीं आपको अपना पति समझती है। जी वही तो रोना है। आप जरा उसे समझाइए ना। अजी उसे कौन समझा सकता है, वो तो बिल्कुल गंगाराम है। कुछ भी कीजिए, मेरी इज्जत आपके हाथ में है। जी हाँ, वो तो बहुत दिनों से मेरे साथ है, लेकिन मैं गाड़ी भाड़े पर ले आता हूँ। और उसे बिठा के उसे फौरन यहाँ से ले जाइए। आप भी थोड़ी दूर हमारे साथ चलिए ना। मैं नहीं नहीं नहीं, मैं फिर साथ चलूं? आप जानू और आपकी बीवी, मैं इस झंझट में फिर से गिरना नहीं चाहता। आप नहीं चलेंगे तो वो भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ पीछा तो नहीं छोड़ेगी, ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ, लेकिन रास्ते से वापस आ जाऊंगा। बिल्कुल, मैं प्लेटफॉर्म के बाहर जाकर गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। और हाँ, मैं उसको यहाँ बैठा के रखता हूँ। मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं, वारे राम वाह। राम 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 यहाँ है? अरे वो राम नहीं, मेरा बचपन का दोस्त राम। वो कालिया कौन है? कालिया नहीं, राम का छोटा भाई श्याम है। मुझे कहने लगा मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, नहीं तो जाने नहीं दूंगा। वो भाग गया? हा? मोटर गाड़ी लेने गया है। मोटर गाड़ी? तू क्या उसको जानती है? कौन है? राम का भाई श्याम। चलो चलो मोटर गाड़ी आई। अरे मैं बैठूंगी, यहाँ बैठूंगी। आप आगे बैठ जाइए। ए राम के भाई श्याम, मैं यहाँ बैठूंगी इनके पास। तुम वहां नहीं, यहाँ बैठूंगी मेरे पास। Thank you.
वाली लड़की उसी खूनी के साथ है। कौन खूनी? वही राजा। राजा? जी हाँ। जी हाँ के बच्चे, उसको फौरन अपने कब्जे में करो। हमने बहुत कोशिश की, बहुत झगड़ा हुआ, पर दोनों बचकर हमारी जीप में बैठकर भाग गए और हमारा एक रिवॉल्वर भी साथ ले गए। किधर भाग गए? गाड़ी पहाड़ी घाट की तरफ गई है। देखो तुम दोनों जीप को ढूंढो और मैं पुलिस को फोन करता हूँ कि उनका भागा हुआ कैदी रिवॉल्वर के साथ पहाड़ी घाट पर देखा गया है। सुनो, पुलिस के पहुंचने से पहले तुम मेरी चीज को खत्म कर दोगे। मौका मिला तो हम दोनों को ही खत्म कर देंगे। और नो इडियट, दोनों को नहीं, सिर्फ मेरी दी हुई तस्वीर को। ए, लड़की को खत्म करना है, जल्दी चलो। गौरी, ए गौरी, गौरी होश में आओ गौरी, वक्त बहुत कम है, मेरी तरफ देखो। ये लोग कौन है गौरी, बोलो। मुझे नहीं मालूम। हाँ हाँ, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। तुम कौन हो गौरी, कौन हो तुम? गौरी। वो मैं जानता हूँ गौरी, पर तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, ये बदमाश तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानती। क्यों नहीं जानती? मुझे कुछ भी पूछो, मुझे कुछ याद नहीं, मैं थकी हूँ। गौरी, गौरी तुम्हारी जान खतरे में है, ठीक से याद करो, याद करो कि तुम कौन हो। मुझे कुछ याद नहीं, मुझसे मत पूछो। क्यों नहीं पूछो गौरी? एक पागल लड़की की जिंदगी इतनी कीमती नहीं होती कि लोग उसके जान के पीछे पड़ जाएं। मैं पागल नहीं हूं। तुम पागल नहीं हो? नहीं। तो ये सब नाटक था। मैंने अपना इतना कीमती वक्त तुम्हारे साथ बर्बाद किया सिर्फ ये सोचकर कि तुम पागल हो, और तुमने मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया। ये सब नाटक तुमने मेरे साथ क्यों किया? अपनी जान बचाने के लिए मैंने सोचा तुम एक खूनी हो, शायद मुझे पागल समझकर जान से नहीं मारोगे। फिर मेरा साथ क्यों पकड़ा? तुम्हारा साथ कैसे छोड़ती? मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत थी। तुम्हारा घर बार कहाँ है? नहीं है इस दुनिया में, मेरा और कोई नहीं है, सिर्फ बापू थे, वो भी एक दिन मुझे अकेले छोड़ के चले गए। मरते वक्त बापू ने कहा था, बेटी मेरे मरने के बाद तू पहाड़ पर चले जाना, वहां तेरा एक दूर का भाई रहता है, सुना है बड़ा आदमी है, शायद तुझे सहारा दे दे और अपने पास रख ले। बापू के क्रियाक्रम के बाद लोगों से पूछती, सड़क पर भटकती, मैं उसे दूर के भाई के घर जा पहुंची। एक राहगीर ने पूछने पर कहा, ये मकान के पीछे का दरवाजा है, चली जाओ। मैं अंदर गई, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, सिर्फ हवेली के ऊपर से किसी बाजी की आवाज आ रही थी। मैं सीढ़ी से ऊपर आवाज की तरफ बढ़ने लगी, एकाएक बाजा बंद हो गया और एक औरत की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। डरते डरते उसी कमरे में जा पहुंची और जो कुछ भी मैंने देखा वो बहुत भयानक था। क्या भयानक था, क्या देखा तुमने? मुझे मत मार, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। डर से कांप गई, भागना चाहा पर भाग न सकी। वो आदमी मेरी तरफ घुमा, जुबान से उठपटंग बातें निकलने लगी और उसने समझा मैं पागल हूं। बस
अपनी जान बचाने के लिए पागल बन गए। मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया है। अब तुम चाहो तो मुझे छोड़ के जा सकते हो। तुम उस खूनी को जानती हो? हाँ। कौन था वो? रमेश। रमेश? कौन रमेश? वही मेरा दूर का भाई। जिस औरत का खून है वो कौन थी? शायद शायद उसी की बीवी थी। मैं नाम भूल गई। माया? हाँ माया। गौरी, मेरे ऊपर जिस खून का इल्जाम है वह वही है जो तुमने देखा है। मैंने तो तुम्हें वहां नहीं देखा। क्योंकि मैंने वो खून नहीं किया, मैं बाद में पहुंचा था वहां। फिर पुलिस ने तुम्हें क्यों पकड़ा? क्योंकि रमेश ने बड़ी चालाकी से खून मेरे सर मर दिया है। मैं समझी नहीं। अरे पगली, सिर्फ तुम मुझे फांसी के तख्ते से बचा सकती हो। हाँ। मुझे जल्दी से पुलिस स्टेशन ले चलो, मैं पुलिस से सब कुछ बताऊंगी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे ले चलो जल्दी। लेकिन गौरी, 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 इन बदमाशों ने तुम्हें भी मार दिया। पुलिस आ गई, भागो यहां से। वेल डन बॉयज, वेल डन, शाबाश। तुम दोनों ने मेरे रास्ते का कांटा साफ करके इतना बड़ा काम किया है कि तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। वो साली पगली तो मारी गई, अब राजा फांसी के फंदे का इंतजार कर रहा है। मलिक, पुलिस आ गई। ए, तुम दोनों इधर से भाग जाओ और रंजनी के पास नाइट क्लब में मेरा इंतजार करो। जाओ। मिस्टर रमेश, मिस्टर रमेश। इंस्पेक्टर। सॉरी, मैंने इस वक्त आपको डिस्टर्ब किया, आपको मेरे साथ चलना होगा। मुझे इंस्पेक्टर, किस लिए? आप चलिए तो आपको मालूम हो जाएगा। अच्छा इंस्पेक्टर, मैं जरा कपड़े बदल के आता हूं। ओह नो, आप जिस हाल में हैं उसी तरह चलिए, मामला बहुत सीरियस है। चलिए। मेरे साथ आइए। इंस्पेक्टर, आखिर बात क्या है, कुछ तो बताइए। दरवाजा खोलो। डरिए नहीं, अंदर आइए। ये कौन है इंस्पेक्टर? आप इसे पहचानते हैं? यस, गौरी, मेरे दूर के रिश्ते की बहन। इंस्पेक्टर, इस दुनिया में मेरे सिवा इसका कोई नहीं। ओह, आई एम सॉरी। लेकिन इंस्पेक्टर, ये इधर, ये तो गांव में रहती थी, ये सब कैसे हुआ, ये यहां कैसे आई? एक हत्यारे ने इसका खून कर दिया। खूनी भरे हुए रिवॉल्वर के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। कौन है वो? आइए मेरे साथ। मेरी माया का खून करके भी तेरी खून की प्यास नहीं बुझी, बदमाश। दोस्त बनकर मेरे पास आया, पैसे के लालच में मेरी बीवी को भगाने की कोशिश की, और जब वो ना मानी तो तूने उसका खून कर दिया। मैंने किसी का खून नहीं किया। झूठ
डर्टी मर्डरर, पुलिस और कानून की गिरफ्त से भागकर तूने मेरी बहन की भी हत्या कर डाली। मैं गौरी की हत्या क्यों करूंगा, वही तो एक गवाह थी जिसे तूने खत्म कर डाला है ना बेवकूफ। तुझे इस सबसे मिला क्या? ना पैसा ना माया, तुझे मिलेगा फांसी का फंदा, मौत के बदले मौत। इस तरह मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मौत का बदला मैं लूंगा। जान से मार डालूंगा। ये क्या करते हो? तो खून करने के बाद तीसरा खून और करना चाहते हो? चलिए मिस्टर रमेश, इसके सर पे अभी तक खून सवार है। चलिए आज की रात खुशी की रात है। प्यार क्या कर रहे हो डार्लिंग? डार्लिंग उठो ना, कम ऑन, कम ऑन स्वीटहार्ट, चलो चलते हैं। छोड़ो, छी सारी रात का मजा ही गिरगिरा कर दिया। माय लव, you
कौन है? माया। माया, माया तो मर चुकी है, माया तो खत्म हो चुकी है। माया नहीं हो सकती, मैंने उसे अपने हाथों से मारा था। लेकिन माया नहीं मरी। कैसे नहीं मरी? मेरा चाकू पूरा उसके कलेजे में उतरा था, उसने मेरे सामने अपना दम तोड़ा था। तुम माया नहीं हो सकते। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैंने तो तुम्हारी लाश देखी थी। जिस ऊपर वाला बचाता है उसे कोई नहीं मार सकता। समझा, जब नहीं मरी तो अब मरोगी। कौन? कौन है? मालिक, तो तू ही सारे घर में घुंघरू बजाकर मुझे डराता रहा नमक हराम। जिसका नमक खाया है, जिसको बचपन से मौत तक पाला था, उसकी आत्मा जानती है कि उसके खून का सबूत हासिल करने के लिए मैं कितना बेचैन रहा हूं, क्या क्या जतन नहीं किए। तुम समझते थे मैं घर में बेकार बैठकर शराब पीता रहता हूं? मैं अगर ये नाटक ना करता तो मुझे भी जिंदा ना छोड़ते। मालिक, आज सारा सबूत मिल गया है। तुमने जो कुछ भी कहा है सब इसमें रिकॉर्ड हो गया है। ये टेप मुझे दे। नहीं, मैं कहता हूं ये टेप मुझे दे। नहीं दूंगा, ये पुलिस का है, पुलिस के हवाले करूंगा। हाँ, पुलिस के हवाले। तो ठीक है, गौरी से पहले मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। रमेश राजा, तुम हवाला से बाहर कैसे आए? तुझे हवालात में भेजने के लिए फांसी का फंदा मेरा नहीं तेरा इंतजार कर रहा है। राजा, तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। पुलिस अपना काम कर चुकी है। पुत्र आता कहाँ है? हट जा मेरे सामने से, मैं कहता हूँ। रामदास, ये पत्ते ना इसे। यू चोट, रुक जा, मैं कहता हूँ। इसे रामदास, नहीं तो बोल भी जा। ये भी तो डॉट वाउ। सिद्धू, तुम जिंदा हो? इसने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। अब यह सरकारी गवाह है मिस्टर रमेश। ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? मिस्टर रमेश, ये असली खूनी को पकड़ने का हमारा प्लान था। माया देवी का खून तुमने किया है। ये क्या कह रहे हैं आप? सर, ये सब पकड़े गए हैं। ले जाओ इनको पुलिस स्टेशन। चलो चलो चलो। इंस्पेक्टर, ये रहा वो टेप, इस खूनी का इकरारी बयान। टेप मेरे हवाले कर दो वरना मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैं कहता हूं टेप जल्दी मेरे हवाले करो। नहीं नहीं, इस टेप मत देना, मत देना टेप। एक, दो, ठहरो। ये लो टेप।
मिस्टर रमेश याद रखो यह टेप तुम्हें कानून के हाथों में पहुंचा सकता है, कानून से बचा नहीं सकता। देखा जाएगा, सबूत मेरे पास है और तुम्हारी चश्मदीद गवाह मेरे साथ है। हट पटे, हट। मिस्टर रमेश तुम भी हटाओ, बंदूक है नीचे। अगर किसी ने मेरा पीछा किया तो मैं गोली मार दूंगा। डॉक्टर रुक जाओ। मिस्टर रमेश आरो रुक जाओ। मैं इस आईने में सब कुछ देख रहा हूं, किसी ने मेरा पीछा किया तो मैं इसे गोली मार दूंगा।